नमस्कार दोस्तों, एक कंपनी है जिसकी जो नेट वर्थ की बात करें तो फिलहाल 2024 में इतनी बड़ी तगड़ी जंप हुई, इसके पीछे क्या हुआ? और पीछे जब कंपनी के पास कुछ ऐसा देखने को पहले नज़र नहीं आई थी, तो अभी रिसेंटली इस कंपनी में 2024 में क्या इतनी बड़ी रैली देखने को मिली जिसकी वजह से इसमें जो हम इसको परसेंटेज का आप आकलन करके देखें तो नियरली देखा जा सकते जो 16,000 के आसपास हुआ करता था वो नियरली 3 गुना जंप कर गए। क्या पता है, नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ। इसकी नेटवर्थ की क्या इसके पीछे कुछ कारण भी है, चलिए जानेंगे। जहाँ पे ये भी देखा जाए, ये तो स्टैंडलोन डेटा था कंपनी का खुद का। चाहे हम ओवरऑल डेटा की तरफ ही नज़र डालें तो ये डेटा उसी रेंज में निकल के आती है। करीब 39,000 जो मिलियंस का टोटल नेटवर्थ था वो करीब 80 का हो जाता है। तो स्टैंडलोन डेटा पर कंपेयर करके देखें तो 3 गुने की जंप हो गया था, 200% की एक्स्ट्रा जंप हुई। इसके अलावा यदि हम ओवरऑल बिजनेस की बात करें कंपनी को लेकर के, तो यहाँ पे देखने को आती है जो कंपनी में करीब करीब 2 गुने 100% की जंप करती नजर आती है। आखिर क्या हुआ जिसका नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो चलिए आज JSW इंफ्रास्ट्रक्चर पर जानेंगे कंपनी को लेकर के क्या मोटिविटी है और क्या यहाँ चार्ट जो लगातार ग्रोइंग स्टॉक के कैटेगरी में आती है उसके पीछे की कुछ फंडामेंटल्स को समझते हैं। उसको फंडामेंटल्स को इसकी चार्ट से हम आपस में कंपेयर करने वाले हैं और समझेंगे एक नए अंदाज में डिटेल एनालिसिस की तरफ क्या कहती है कंपनी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जहाँ पे ये देखा गया कि प्राइस टू बुक वैल्यू कहता है करीब 8 गुने से ज़्यादा, इंटरेस्टिक वैल्यू कहता है बुक वैल्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव है, और नियर अबाउट कह सकते हैं कि अभी ये थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में बनती है। मतलब ये जो समझ में हमें यहाँ पे कहाँ पे आई थी समझ में, हमें समझ में वहीं पे आई थी जहाँ हमने हमने आपके साथ चार्ट दिखाया था। जो चार्ट में इस कंपनी के पास जो नेटवर्थ था ना वो एक ही बार में 24 के अंदर तगड़ी जंप करती नजर आए, जहाँ पे 100% और 200% तक की जंप देखी। अब क्या इसके तरफ हम नज़र डालें, खास करके उन पार्टों को जहाँ पे स्टॉक में भीड़ कितनी है, आखिर कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसको निवेशक को लेकर के, आखिर निवेशक के मन में क्या चल रही है। तो निवेशक के बारे में कहती है कि यहाँ पे 4 लाख लोग इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे 4 लाख लोग इंटरेस्टेड हैं इन दिस शेयर। और चलिए जब 4 लाख लोग इंटरेस्टेड हैं तो मार्केट में डिमांड कितनी बनी, तो स्टॉक की भीड़ की तरफ आंकलन जब हमने देखा तो वो भीड़ कहता है 58 गुने की भीड़ है, 59 गुने की भीड़ है। कहाँ से? जो उनकी मेन क्वालिटी निकल के आती है जिसका नाम है EPS। अर्थात समझ में ये आई जो कंपनी 2 रुपये की फेस वैल्यू करीब करीब कितना कमाती है, 5 रुपये से ज़्यादा कमाती है। अर्थात कितना परसेंट का, 200% से ज़्यादा कमाती है, 250% के आसपास कमाती है। और यदि 250% के आसपास कमाती है जिसके पैसे करीब करीब 59 लोगों की भीड़ है, जबकि बाकी सेक्टर की तरफ देखें नज़र डाल के तो ये कहती है 31 गुने की भीड़ है। अर्थात ये नज़र आती है जो इस स्टॉक में यहाँ पे डिमांड लगातार बढ़ने वाली है, बढ़ती है। कई बार दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, स्टॉक प्राइस और ये हमेशा चलने बोलने वाली प्राइस है। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें देखने वाली बात ये है जो क्या यहाँ पे भीड़ का आकलन किस रेशियो से हुआ और किस किस बेस पे हुआ, क्या इनकी बिजनेस बेस पे हुआ या मार्केट की कुछ ऐसे सेंटिमेंटल्स न्यूज आई कि मार्केट में एक ही बार में लॉक लॉक क्या आ गए, नए न्यू प्लेयर आए इसको खरीदने को लेकर के, जिसकी वजह से मार्केट जंप करी। तो यहाँ पे देखा गया कि हायर टॉयर 361 तक गया था, मतलब ये नहीं कह सकते अभी सबसे टॉप पे है, ये इनकी भीड़ और बढ़ी थी, लेकिन कुछ लोग यहाँ से निकल गए। जब निकल गए तो मार्केट की प्राइस टूट गई, तो यहाँ पे क्या निकल गई थी, लोअर टू लोअर 142 को टच कर लिया था। अब इसके पीछे क्या, अभी ये देखने वाली बात क्या, जो ये हायर टू हायर को लगातार टच करने वाली है आगे चल करके, तो चार्ट का आकलन क्या कहता है, चार्ट का आकलन कहता है कि मार्केट थोड़ा सा अभी क्या कर रही थी, थोड़ा सा अपनी बेस बनाने में तैयारी भी कर रहा है, बेस की तैयारी कर रहा है। और जब बेस इनका तैयार हो जाएगा 2-4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, क्योंकि इस तरह के बेस कई बार कंपनी ने बनाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छी बेस बना रही है, इससे अगले इस तरह के कई सारे बेस बनाए कंपनी ने, या आप आकलन करके देखिए उन्होंने कई बार बेस बनाई है। और जब बेस बनाती है तो बेस बनाने के बाद कंपनी वहाँ से उछलती है। उछलने का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम में भी पता है क्या है, वॉल्यूम में बहुत तगड़ी जंप नहीं है,
वॉल्यूम ये दर्शाता है कि मार्केट में इंटरेस्टेड पार्टी कितने हैं शेयर को खरीदने और बेचने को लेकर के। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे अभी ट्रेडर्स की पार्ट पड़ी है, अभी बड़े इन्वेस्टर्स की उससे बड़ी मूवमेंट करने की तैयारी भी नहीं है, जिनके पास जो शेयर हैं वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। चलिए इसको समझते हैं क्या कहती है, इनका सपोर्ट लेवल क्या है। तो देखा गया कि कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि क्या करता है, ईपीएस वगैरह कनेक्शन से करंट रेशियो जो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर टू आर फार्मूलाज पे काम करना पड़ेगा। अब सोचेंगे मैं आर टू आर की बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे हम केवल और केवल रिस्क टू क्या जानते हैं, रिस्क टू रिकन्सलेशन पर चर्चा करेंगे, साथ में रिस्क टू रिवार्ड और रिस्क टू रिटर्न भी देखेंगे। यहाँ पे आरओसी के बारे में कहती है करीब 16%, आरओई के बारे में कहती है नियर अभी 19%। अब आंकड़ा निकल के आता है डिविडेंड को लेकर के, 0.18% का डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है, और इतना ही नहीं यदि हम प्रमोटर्स की होल्डिंग में देखें तो ये करीब रहती है 86% के नियर अबाउट, जो कि एक अच्छी पोजीशन में बनती नजर आती है। 210 करोड़ के शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर जहाँ पे मार्केट कैप कहता है करीब 66,000 करोड़ का। तो चलिए जो जो कंपनी 2006 में बनी थी, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड प्रोवाइड द मेरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग कार्गो हैंडलिंग स्टोरेज सॉल्यूशंस एंड द लॉजिस्टिक्स सर्विसेज पे कंपनी कामकाज करती है। जो हम यदि वेबसाइट से विजिट करके देखें इनके पास क्या क्या है, कहते फैसिलिटी हमारे पास हैं सर, क्या है स्टोरेज, ये अपने बात करती हैं, पोर्ट की बात करती हैं, मतलब पोर्ट पे भी इनका कामकाज है। खास करके कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग्स MOU साइंड बिटवीन JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड द AP मोलर कैपिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एट ए ग्लांस। उन्होंने कहा कि हमें इनका काम काज पता है कैसे, इनका पियर्स कंपनी पता है कौन है, इसका पियर्स कंपनी अदानी अदानी पोर्ट, क्यों पता है, क्योंकि इनका कामकाज भी पोर्ट और लॉसिस कामकाज रिलेटेड है, जैसे कि अदानी की काम। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं, जहाँ पे देखेंगे ये जो समरी डेटा है, इस समरी डेटा के वजह जहाँ जहाँ हमने क्या किया है हाईलाइट किया, उसके पीछे हम एक एक फैक्ट एक एक चीज़ को रिकन्सलेशन करने की प्रयास करेंगे। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइस को। चलिए जानते हैं पियर्स को लेकर के, पियर्स को लेकर हमने कहा कि सबसे पहला कंपनी का होगा अदानी पोर्ट होगी, JSW जो सेकेंड नंबर एंड द थर्ड नंबर इज गुजरात पीपावन, इन तीन पोर्ट कंपनी के इनके लिस्ट में रखा गया है। लेकिन यदि हम इसको NSE की तरफ मूव करें, NSE कहती है इनकी लिस्ट में तो ढेर सारी कंपनियां हैं, उसमें सबसे बड़ी कंपनी की बात करती है कि अदानी पोर्ट की बात करती है, सेकंड इज GMR एयरपोर्ट की बात करती है, थर्ड इज JSW की बात करती है, जहाँ पे कुछ कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो अच्छी खासी ग्रो लेवल पे है, कुछ की धरातल के नीचे दबके रह गई है, जिसमें इसको देखने को मिलता है GMR एयरपोर्ट। अब यहाँ पे डेटा जो देखने को मिलती है, हम उसी डेटा की बात करते हैं, कई बार हम कह चुके हैं और ये भी अभी भी कहते हैं, कई बार इनके डेटा में हो सकता है जो इनका डेटा फ्रेश नहीं होता है ठीक करेक्टली, तो 24 का बजाय 23 का डेटा करेक्ट फ्रेश कर लेते हैं, इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आते हैं इसको समझने के लिए जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के भी देख लें, देखते हैं आकलन क्या कहती है इसकी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट वो दर्शाता है कि मैनेजमेंट ने अपने लेवल पे मंथली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे किस तरह का कामकाज को हैंडल किया है। हैंडल करने का मतलब ये जो सारे के सारे सेल्स की पार्ट हो या फिर इनकी कंप्लायंस का पार्ट हो या फिर अदर सारे काम को देखा जाए, जो कि जोन टू जोन का आकलन करें तो ये कहती है करीब करीब कितनी परसेंट की, नियरली 20% 25% के आसपास की यहाँ से उछाल आती है। 20 से 25 का मैंने आंकड़ा लिया, एक्चुअली मैं आपको परसेंटेज भी लेंगे क्या कहती है। इसके अलावा देखा जाए तो कहती है ऑपरेटिंग जो करीब 51% के आसपास था, नियर अबाउट उतना ही रहा, उसमें कोई फेरबदल नहीं था, जबकि क्यू और क्यू के हिसाब से भी कहती है कि लगातार यहाँ से थोड़ी सी हल्की फुल्की गिरावट, मतलब कहती है सस्टेन कर देना। इसके बाद कहती है यहाँ पे 322 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, और यहाँ पे कहता है 297 करोड़ के आसपास का। समझ में ये आती है इस टाइम पे कंपनी ने अपनी प्रॉफिट को उस लेवल पे बुक नहीं किया जिस लेवल पे इनके पास पूरा होता, जबकि इतनी होने के बावजूद भी जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 515 करोड़ होने के बावजूद भी इनका पैसा नहीं बना, इसके पीछे पता है कुछ कारण होगा। वो कारण कहता है कि यहाँ पे इनके पास इंटरेस्ट का कुछ बर्डन नहीं था, नेगेटिव दिख रहा था। अब ये नहीं समझ आता इनके पास जो उन्होंने ज़्यादा पेमेंट कर दिया क्या अपने लोन्स वाले को, क्या
जब ज़्यादा करे तो उनका रिफंड मिल गया होगा, इसलिए यहाँ पे इनका इंटरेस्ट क्या हुआ, कम निगेटिव दिखने लगा। इंटरेस्ट के अलावा की बात करें तो यहाँ पे इस पीरियड में करीब 82 करोड़ का जो इंटरेस्ट बर्डन बनी, यही इनके लिए थोड़ा सा घातक साबित होती, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे सामने ये दिखता है कि यहाँ पे पिछले पीरियड से थोड़ा सा नुकसान बनती है। अके परसेंटेज ऑफ ग्रो के बारे में इसके बाद क्या कहती है, परसेंटेज ऑफ ग्रो की तरफ देखें तो ये कहती है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, खास करके पिछले साल के सेम क्वार्टर जिसको वाई कहते हैं, तो इसमें 14% की जंप करती है रेवेन्यू सोर्स में। अदर इनकम जो अदर एक्सपेंसेस पार्ट था वो 41% जंप करती है, और नेक्स्ट चीज में सबके सब में क्या होती है, गिरावट छोड़ के जो ईबिटा का पार्ट था उसमें 7% ज़्यादा की उछाल करती नजर आ। अब आते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेटा, जहाँ पे हमें ये पता चलेगा, चलिए क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पे कई सारे दिक्कते भी हो सके, कई बार क्वार्टर में कुछ दिक्कतें हो जाती है, जैसे कि कई बार बाढ़ के समय में फ्लड्स काफ़ी सारा ज़्यादा आ जाती है, उससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाती है, उसमें कई सारे जो लॉजिस्टिक्स चीज़ें हैं वो थोड़ा सा इशू भी होता है, खास करके ये समुद्री क्षेत्र की बातें होती हैं और वहाँ पे पोर्ट का कारोबार होता है, तो हो सकता है कुछ तूफानी हवा हो कुछ हो, उससे क्या होता है इम्पैक्ट पड़ती नजर आती है। चलिए साल दर साल दिन का नियर अवार्ड तो सेम होता है, हर साल तो ऐसा होता ही रहता है, उसमें साल दर साल के देखें तो ये कहती है कि सेल्स 2024 तक के आंकड़न में क्या लगातार ग्रो किया है, कहती है बिल्कुल ग्रो किया है, लगातार नहीं बिल्कुल ग्रो करते जाते हैं। चार्ट को देखिए तो चार्ट कहती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लगातार एक ऊंचाइयों पर पहुँचते नजर आए हैं, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास नियरली, ये भी कहती है तो क्या कहती है, करीब 52% के आसपास हो गई, मतलब जो हमारे पास टाइम टू टाइम 49 था 51 हो गया, फिर हमने 52 क्रिएट कर दिया। अदर सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास एक रेगुलरी टाइप में आती नज़र आती है, कमी नहीं है, रेगुलर में हमारे पास आती ही आती है, इसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बनती है, जो कि ये कहता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कहती है कि इसको टॉप का अवार्ड तो इस साल में मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी मैनेजमेंट ने 1161 करोड़ की इनक्रेडिबल प्रॉफिट को बुक कर दिया। चलिए यहाँ पे हमने बात किया कि बुक कर दिया, तो बुक करने के पीछे हमें चाहिए, पता है क्या हमें चाहिए, R2R। अब सोचिए मैं बार बार R2R क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि R2R का मेन कनेक्शन है बैलेंस शीट के फिगर, जहाँ पे रिस्क टू रिकनसाइल हमें करके देगा, जो आखिर जो प्रॉफिट हमने बुक किया, यहाँ पे हमने नहीं मतलब मैनेजमेंट ने या कंपनी ने, तो उनका क्या है, उनका परसेंटेज क्या कहती है, किससे, डेटर से, उनकी परसेंटेज क्या थी नेट सेल्स से, और इसकी परसेंटेज की तरफ देखें तो वो क्या कहती है, बाकी कुछ ऐसे एस्पेक्ट को लेकर के जो इसमें इनकी कुछ कंक्लूजन की तरफ हम ले जाएंगे। आखिर इसी लेवल पे इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस भी करती है, क्योंकि दोनों डिफरेंट मार्केट हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चलते हैं, पहले एनुअली डेटा को देख रहे हैं, तो इनकम में देखा जाए तो कहती है कि नेट जो रिवेन्यू था वो 17% किससे, वाई में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप कर दी। तो इससे यदि आंकलन करके देखें तो शायद यहाँ से लगातार क्या हो रही है, लगातार यहाँ से बढ़ती नजर आती थी, जबकि हम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की आंकलन करें तो ये क्या कहती है, लगातार बढ़ी है, लेकिन कुछ पीरियड में इनके थोड़ा सा कमी देखने को मिला था कंपेयर टू द करंट ईयर 24 का, 24 में ज़्यादा जंप करती है। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि नियर अबाउट जो 54% से लेकर के और ईबिटा में 20% तक की उछाल देखने को मिली। ये तो था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इसको लेकर के रिवेन्यू को लेकर बैलेंस शीट में हमें दो फिगर पे हम बिल्कुल फोकस करते हैं। पहला फिगर आउट होता है कि रिकंसिलेशन पर्पज से, आखिर बोरोइंग्स का सिचुएशन क्या है, और बोरोइंग के सिचुएशंस में इनकी जो यूटिलाइजेशंस हैं वो क्या है, क्या एंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं, क्या पैसे लेकर के गुलछड़े तो नहीं उड़ा रहे, या पैसे लेकर कोई संपत्ति बना रहे हैं, ऐसी कहावत है और कई बार हम कुछ लोकल्स को एड ऑन कर देते हैं और ज़्यादा समझने के पर्पज से, यदि आप लोग समझ पाएँ, नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट करके आप बताना, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारी कमेंट सेक्शन में अच्छी लगती है। यहाँ पे देखा गया कि ये कहती है कि इन्होंने क्या किया, 200 करोड़ के आसपास बढ़ाया, जब बढ़ाया तो किया क्या, तो कहती है इन्होंने क्या, जो फिक्स एसेट्स पार्ट थी वो लगातार बढ़ी है, उसमें कोई कमी नहीं था, इसके अलावा वर्किंग प्रोग्रेस भी बढ़ी है, और यहाँ पे एक जगह कमी देखने को मिला जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट पार्ट, यहाँ पे उन्होंने कमी कर दिया। अदर सोर्स अदर एसेट्स की तरफ देखें, अदर एसेट्स के बारे में कुछ कहती होगी और कुछ संदेश देती होगी, और कहती है कि ट्रेड रिसीवेबल उनके पास 700
नहीं यार, अगले 700 करोड़ के आसपास की कहते हैं। 700 करोड़ का कहता है, इनके पास अभी डेटर पड़ा हुआ है और मार्केट में इनके पैसे पता है कितने प्रॉफिट बुक किया था? प्रॉफिट बुक किया था 1100 करोड़ के आसपास। तो 1100 करोड़ में यदि 600 करोड़ के मार्केट में पैसे ही फंसे हुए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास ऑलमोस्ट जो है 50% पैसा इनके पॉकेट में आ चुका है। चलिए, अब जहाँ पे नहीं आया उसके लिए रिस्क क्या कहता है? उसके लिए रिस्क ये कहता है जो डेमर ऑफ डेटर डे क्या 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 कहता है, इनके पास 3 महीने में पैसे आते हैं, 2 से 3 महीने का पीरियड है जहाँ पे इनको इंक्रीज टाइम इंक्रीज करती नज़र आई, मतलब थोड़ा सा रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बढ़ता नज़र आए जिसके हिसाब से टाइम टेबल को ले। आइए इसको भी जानते हैं, जरा एक नज़र डालते हैं इनकी इन्वेस्टर्स मोड की तरफ और आते हैं सेगमेंट वाइज भी जानेंगे आखिर सेंटिमेंटल क्या कहते हैं। तो सेंटिमेंटल के बारे में कहते हैं कि बोर्ड मीटिंग किया था आउटकम ऑफ द कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट फॉर द मेटेरियल सब्सिडरी की उन्होंने बात किया है, आखिर क्या था इसको लेकर के। हम सीधे सीधे चलते हैं और इसी प्रेस रिलीज को हम ओपन कर लेते हैं। जो तो 21 घंटा पहले उसमें अपडेट आया था और वो अपडेट की तरफ देखें तो ये कहती है एक्सचेंज को, जो नियरली बोर्ड ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द रिक्वेस्ट द प्रेस रिलीज इनक्लोज द प्रेस रिलीज, उन्होंने अपडेट कर दिया। प्रेस रिलीज में क्या कहती है? कहती है GSW इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूव जो कि कैपेक्स ऑफ द 2360 करोड़ फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात है यह है, और ये कहा है कि मुंबई में इनकी हुई थी 9 तारीख को। और कहती हैं जैगरा एंड द धर्म ताल तार पोर्ट पे इनकी क्या होगी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए उन्होंने करीब 2400 करोड़ को लेकर के एक्सपेंशन प्लान को अप्रूव दिया है। इससे होगा क्या? इससे इनके पास वो ये होगा जो पोर्ट की कैपेसिटी जो है ना वो 2030 में ग्रो प्लान टू इंक्रीज कैपेसिटी जो कि 400 मिलियन टन पर एनम है, वो द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ 170 मिलियन टन, जहाँ पे 170 मिलियन टन की ये कैपेसिटी को अभी तक हैंडल कर पा रहे हैं वहाँ पे ये कितनी करेंगे पता है? ये 2030 में 400 मिलियन टन की कैपेसिटी बिल्डअप कर ले। इससे क्या होगा? कहती हैं जो टोटल कैपेसिटी एक्सपेंशन इन द 36 मिलियन इन द 21 ऑन द फॉर एट द धर्मपुर एंड द 15 मीट्रिक टन इन जयग्रह, दो एयरपोर्ट हैं सॉरी दो पोर्ट हैं, दोनों पोर्ट पर इनकी क्या होने वाली है प्रोटेक्शन बढ़ेगी। फिर कहती है इंक्लूड द मैकेनिकल सिविल एंड द इलेक्ट्रिकल वर्क फॉर द न्यू वर्थ एंड द एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे साइडिंग फॉर द जैगरा पोर्ट एंड द बूस्ट थर्ड पार्टी कार्गो मूवमेंट, अर्थात जो रेलवे की सर्विस से जो कार्गो जाती है उसको लेकर के क्या करेगी, वहाँ तक रेलवे लाइन के ऊपर सिविल कंस्ट्रक्शन का काम हो बाकी सारे काम अपनी करेगी पोर्ट को। तो ये इनके लिए कुछ अपडेट था जिससे इनको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा खासा कैपेसिटी बिल्डअप होती नज़र आ सकती है, इनके लिए अपडेट। इसके अलावा कुछ बात करें तो उन्होंने कुछ और बात करें तो कहती है मटेरियल सब्सिडरीज की बात किया है और इनका एक प्लान और आया था, ये क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द, इसमें क्या कहती है? इनमें कहती है कंपनी जो इन्होंने GSW धर्म तार पोर्ट जो है प्राइवेट लिमिटेड डिटेल एक्सर एन में ए में इन्होंने कहा है और 3125 करोड़ का इनके पास जो मटेरियल सब्सिडी है जो कि GSW जयग्रह पोर्ट्स पे है। टोटल कैश आउटफ्लो फॉर द प्रोजेक्ट इज द एस्टिमेटेड, एक नया इसमें प्रोजेक्ट भी काम करेंगे जिसमें 125 करोड़ का खर्च होने वाला है। मतलब ये समझ में आया कि कंपनी अपनी कैपेसिटी बिल्डअप में लगी हुई है, कंपनी को कंपनी कामकाज करने में लगी हुई है और ये इनके 36 महीने 30 महीने का पीरियड उन्होंने रखा हुआ है अलग अलग पोर्ट को लेकर के कामकाज करने। ये कुछ अपडेट था। आते हैं इसकी निवेशक की, उससे पहले एक नज़र हम बैलेंस शीट की फिगर पर चलते हैं। यहाँ पे हमने परसेंटेज वाइज देखा आखिर उसमें हुआ, उसमें ये देखने को मिला कि कैश और नन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर 116% की जंप होती है और टोटल एसेट्स भी करीब 46% जंप करके एसेट्स में केवल और केवल 4% की वृद्धि देखी गई है। ये था इनके लिए बैलेंस शीट की अपडेट। अब आते हैं इसकी हम ज़्यादा इन्वेस्टर को अपडेट लेकर, जहाँ पे FIDI की तादाद साथ में पब्लिक की तादाद भी अच्छी खासी यहाँ पे बनी हुई है और इतना ही नहीं
प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है और इसमें केवल और केवल 6% के नियर अबाउट कह सकते हैं कि पब्लिक है। उस पब्लिक के तादाद की बात करूँ तो करीब करीब 4 लाख लोग हैं इतने इस 6% की होल्डिंग। सोचने वाली बात है। तो इसी सोचने वाली बात के साथ साथ हम देखिए चार्ट का आंकलन। जो चार्ट का आंकलन यही कहता है पिछले 1 साल में इनकी चार्ट में लगातार ग्रोइंग्स मूव है, जहाँ पे लगातार पता है लगातार मार्केट में लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया है इसको बेचने और खरीदने को लेकर। जो मार्केट में रेट अप डाउन हुआ है वो एज ए ट्रेडेड पार्ट में हुआ है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं, अर्थात जिनके पास है जो कि रिटेल इन्वेस्टर हैं अपने रखे हुए हैं, जब उनको लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो बुक करना चाहिए और हमेशा प्रॉफिट बुक करके ही चलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पोर्टफोलियो को और ग्रो लेवल बनाएगा, क्योंकि आपके पास जब कैश लिक्विडिटी बढ़ेगी आप और ज़्यादा इसको कर सकते हो। चलिए तो हमने इसको देखा, अब आते हैं इसको समझने के लिए कुछ लेटेस्ट कहाँ पे एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस पार्ट में क्या कहती है उससे पहले एक नज़र हम डालते हैं यहाँ पे, और वो ये कहती है जो क्या उन्होंने कंपनी ने कभी डिविडेंड की पार्ट दिया कभी कुछ, और लगातार स्टॉक बढ़ती नहीं रहती। यदि किसी दिन 2% गिर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 महीने के डेटा में देखें तो कई बार गिरा है स्टॉक, तो 3% गिरती है, क्योंकि गिरने से ये नहीं होता कि मार्केट ने क्या किया क्रैश कर लिया, मार्केट को ये लगा कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ। प्रॉफिट एक्शन में देखा कि कंपनी फाइनल डिविडेंड तो 2024 में दिया था, वो भी इतना 55 पैसे का, मतलब ये सेटिस्फेक्शन नहीं देता, 1 रुपये से नीचे का भी होना तो शायद सेटिस्फेक्शन नहीं देता, क्योंकि स्टॉक की प्राइस कितने की पता है, स्टॉक की प्राइस कहता है 316 रुपये की। और मुझे लगता है कि यदि किसी कंपनी अपनी दे रहा है तो उसको मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग में सोचना चाहिए, थोड़ा सा पार्ट तो दें अपने निवेशकों को, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 2 रुपये के अकॉर्डिंग देखा जाए 55 पैसा दे रहा है तब भी ठीक नहीं दे रहा है। आते हैं एनालिसिस के पार्ट से पहले इग्नोर इसमें ध्यान देने के लिए सेगमेंट वाइज, क्या सेगमेंट वाइज कुछ कंपनी कामकाज करती है अलग अलग सेगमेंट में, सेगमेंट वाले कोई अपडेट नहीं है। आते हैं इसको कंपनी हैज़ अ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट की बात करती है, लगातार बढ़ी है, उसके बाद इनकी जो वर्किंग कैपिटल होता है वो भी बढ़ी है, जबकि मार्केट कैप उन्होंने बुक्स वैल्यू की बात किया है कि भी अच्छा सा 8 गुड़ के आसपास ट्रेड करती नजर आती है। अब आते हैं रिटर्न, रिस्क टू रिटर्न में आखिर निवेशकों को मिला क्या, जिन लोगों ने इनमें निवेश करके रखे हो उनको ये मिला जो पिछले 1 महीने में उनको निवेश में थोड़ा सा न्यूट्रल पे आसपास है, लेकिन बीच में अच्छी खासी प्रॉफिट भी बुकिंग हुई और नुकसान भी हुआ। अब समझने वाली बात यह है जिन लोगों ने इस प्राइस पे आकर के लिया पैनिक होके लिया, अच्छा मार्केट अब तो सीधे रैली दिखा रही है अब यहाँ, तो उनके लिए क्या हुआ, उनको तो फिर सदमा लग गया ना, वो उनको लगातार मार्केट क्या करिए डीप करना लगा, क्योंकि मार्केट उस पर थी नहीं, मार्केट की एक्चुअली प्राइस तो यही थी, और ये एक सेंटिमेंटल बनाया गया, और सेंटिमेंटल बनने के बाद मार्केट को क्या लगा, नए प्लेयर आए, नए प्लेयर इंडिया, और नए प्लेयर को फिर शायद उसमें नुकसान भी देखने को मिला होगा। तो 6 महीने में ओवरऑल 24-25% के आसपास की प्रॉफिट दे चुकी है, और ऐसे 1 साल में 100% की उछाल के साथ कारोबार किया है, पिछले 5 सालों में करीब 84% की ही रहा है, लेकिन पिछले 1 साल के आंकड़न काफ़ी अट्रैक्टिव रहा इस कंपनी को लेकर के, जिसका नाम था ZSW। अब सवाल ये उठता है जो यहाँ पे जो प्राइस है इस प्राइस का क्या आकलन किया जाए, यस क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एंट्री एग्जिट कुछ नहीं कहता है, इसके लिए मैं कोई आपको गाइड तो करता नहीं, यहाँ पे इम्पोर्टम पे आप एंट्री कीजिए, पिक पे तोड़िए, मैं ऐसा कहता नहीं हूँ, आप कभी भी एंट्री किया जा सकता है, हाँ एक अच्छे प्राइस पे मिले तो शायद बेटर है, और उसके बाद उसमें एक ही गोल्डन रूल अप्लाई होता है, जब भी करें जैसे भी करें, लेकिन एक गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना चाहिए कि पैसे भी आपके हैं और रिस्क भी आपका है, तो उसके साथ आपके आपके टारगेट क्या है, और टारगेट के साथ आपकी टर्म टारगेट है, ग्रोथ टारगेट है, हाइब्रिड कर दीजिए साथ में। लेटेस्ट चीज़ ये है जिसमें आपको SL को हमेशा माइंड में रखना है, यदि आपकी एक्सपेक्टेशन से आपकी हायर टू मार्केट क्या कर रही है, कट मार रही है, तो आपको भी कट मारना पड़ेगा, इसलिए बी केयरफुल, बी अवेल द एवरी स्टॉक, नॉट फॉर द एनी सिंगल स्टॉक्स, मैं कहता हूँ सभी स्टॉक के प्रति अवेयर रहिए, यदि आपके पोर्टफोलियो में है, आपके पास है, तो एक एक, मैं ये नहीं कहता हूँ जो आप इसमें इन्वॉल्व रहिए, इसको ट्रेडिंग करिए, मैं ट्रेडिंग तो मेरे पास ट्रेडिंग खुद ही नहीं आती, मैं ट्रेडिंग क्यों सिखाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द ट्रेडिंग फॉर द एनी पार्ट्स और टिप्स फॉर द।
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हुआ दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग उन्होंने जाना जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के, जिसमें साथ हमने दोबारा स्टडी किया था। इससे पहले उन्होंने एक बार शायद 2-3 महीने पहले स्टडी किया था, आज मैंने दोबारा किया है थोड़ा सा पार्ट ऑफ समझने को लेकर के, इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पे हमने नेटवर्थ हमें काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगा। इसीलिए सोचा कि अच्छा इतनी बड़ी कंपनी की नेटवर्थ इतनी बड़ी है, जरा एक बार नेटवर्थ के बेसिस पे जरा समझते हैं कंपनी को। और वही हमने समझने का यहाँ पे प्रयासरत रहा, जहाँ पे हमने पीयर्स भी देखा कि यहाँ पे पीयर्स कुछ और कहती, वहाँ पे पीयर्स कुछ और कहती। तो आप कंपेयर तो सेक्टर के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से कंपेयर भी कर सकते हैं। आखिर वो फलना 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 कंपनी का ये आ रही है, तो इनका क्या होने वाला है, इनका क्या होगा, इसका क्या होगा। थैंक यू।